राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में ही राज्य में निकाय चुनाव कराएगी। दरअसल गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने पर अवमानना वाद दायर किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नगर निगम और नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधानसभा से पारित इस संशोधन के अधिसूचित होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रति शपथ पत्र में ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उसे अवमानना वाद से मुक्त किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।